हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देखें कल हमें किस तरह का मार्केट देखने को मिल सकता है। साथ में डिस्कस करेंगे सेंसेक्स भी, कल उसका भी एक्सपायरी रहने वाला है, तो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे। सबसे पहले देख लेते हम निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे, कल हमने डिस्कस किया था इस लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके टारगेट्स एरिया 19,520 एंड 19,550 की रेंज में रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के दिन में हमारे दोनों टारगेट्स हिट हुए। उसके बाद मैंने आपको कहा था अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट यहाँ हॉल्ट कर जाता है, हॉल्ट करने के बाद अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करेगा फिर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलता है तब उसके बाद आपको एक साइडवेज एक्सपायरी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 11:30-11 बजे के बाद आपको पूरा का पूरा दिन साइडवेज देखने को मिला। इसके पीछे अगर आप रीजन देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग था, कल भी ट्रेंडिंग हो चुका था, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मार्केट सेकंड हाफ में अगर मूव करेगा तब आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में मार्केट ने मूव किया, उसके बाद पूरा दिन आपको साइडवेज देखने को मिला। अभी काफी अच्छी जगह पे मार्केट देखने को मिल रहा है, जिस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कल के दिन निफ्टी फिर से ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब आपको अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जितने मेंबर्स एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, यहाँ पे 19,570 ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। 19,570 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज आता है तब आपको यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके टारगेट्स एरिया 19,600-620 ये रेंज में रहेंगे। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया अभी यहाँ पे रहने वाला है। सेकंड मेजर रेजिस्टेंस एरिया आपका यहाँ पे रहेगा 19,620-630। इस रेंज के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है आपको 19,680-19,700 ये एरिया भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये एरिया आपका मेजर रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है। इसके सामने आपको फिर से ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर बड़े टाइम फ्रेम में कोई बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन बन जाता है तब आपको यहाँ से एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके टारगेट्स एरिया 19,640 की रेंज में रहेंगे। सेल ऑफ के लिए अगर हम देखेंगे तो बॉटम एरिया पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज आ जाता है, 15 मिनट का कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज मिलता है, तब आप एक सेल ऑफ प्लान करोगे, जिसमें आपके टारगेट्स एरिया 19,500 की रेंज में रहेंगे। ठीक है, 19,500-480 ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है। आज के दिन में काफ़ी अच्छा बॉन्स यहाँ से देखने को मिला है, तो प्रोबेबिलिटीज रहेंगी कि यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले। अगर कंसोलिडेशन मिलता है उसके बाद फिर से अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो फिर से आप अपसाइड के लिए एक मोमेंटम प्लान करोगे। ठीक है, जितने मेंबर्स अग्रेसिव लॉन्ग करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो। जितने मेंबर्स वेट करके ट्रेड करते हैं, आज का हाई ब्रेकआउट होने देना, उसके बाद कंटिन्यूशन में ट्रेड कर सकते हो। सेल ऑफ के लिए जितने मेंबर्स अग्रेसिव शॉर्ट करते हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज आ रहा है तब आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, या जो मेंबर्स वेट करके ट्रेड करते हैं यहाँ पे 19,520 के नीचे शॉर्ट प्लान करोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा वीक दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग आपको ये एरिया में दिख रहा है, तो अगर अपसाइड निकलता है तो निफ्टी ज़्यादा बेटर मूव कर सकता है, अगर आप बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में देखोगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी अगर आप अपसाइड के लिए मोमेंटम आप प्लान कर रहे हो तो ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी मेंबर अग्रेसिव लॉन्ग करते हैं 44,320 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब आप अपसाइड मोमेंटम प्लान करोगे, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट 44,450 के लगभग रहेगा। उसके बाद अगर 450 ये एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी, तब आप अपसाइड एक बड़ा मोमेंटम प्लान कर सकते हो, जिसमें आपके टारगेट्स एरिया 44,600 की रेंज में रहेंगे। ठीक है, अगर सेल ऑफ के लिए हम कुछ प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में तो ये एरिया आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ पे 44,100 या 150। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करता है तब आप यहाँ पे एक सेल ऑफ प्लान कर सकते हो, जिसमें आपके टारगेट्स एरिया यहाँ पे गैप तक रहने चाहिए। यहाँ पे आपका जो गैप रहेगा 44,000 की रेंज में रहेगा या 43,950 ये रेंज में आपका गैप फिल होगा। तो हो सकता है अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से आप 100-150 पॉइंट का मोमेंटम डाउनसाइड प्लान करोगे। ठीक है, इस रेंज में थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है, तो यहाँ पे अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखना। अगर यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में तो आप अपसाइड एक मूव प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन चल रहा होगा, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तब आप अपसाइड के लिए एक मोमेंटम प्लान कर सकते हो, जो भी मेंबर्स एग्रेसिव लॉन्ग करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सेंसेक्स के चार्ट की। सेंसेक्स का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस तरह का स्ट्रक्चर आपको निफ्टी का दिख रहा है सेम स्ट्रक्चर आपको सेंसेक्स का भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर कल के दिन में सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो जितने मेंबर्स अग्रेसिव लॉन्ग करते हैं तो यहाँ से आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। टारगेट एरिया 65,800 आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, सेकंड टारगेट आप यहाँ पे 65,900-950 के लगभग प्लान करोगे। सेंसेक्स में अगर आपका मेजर रेजिस्टेंस एरिया आप देखोगे तो ये एरिया आपका मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है 66,100 के लगभग। अगर यहाँ पे आपको कोई बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन मिलता है उसके बाद ब्रेकडाउन होता है तब आप यहाँ से एक शॉर्ट भी प्लान कर सकते हो, जिसमें आपके टारगेट्स एरिया 65,800 की रेंज में रहेंगे। ठीक है, अगर सेल ऑफ के लिए हम प्लान करेंगे तो सेंसेक्स का ये एरिया इंपॉर्टेंट रहने वाला है 65,580 के लगभग।
ठीक है, इसके नीचे अगर सेंसेक्स कल के दिन में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे आप एक डाउनसाइड मोमेंटम प्लान कर सकते हो 65,450 के टारगेट्स के लिए। ये लो के लगभग आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो, टारगेट 65,600 की रेंज में रहेंगे। अगर यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकडाउन करता है मतलब कंटिन्यूशन करता है, तब आप डाउनसाइड के लिए कुछ लेवल्स प्लान करोगे जिसमें आपके टारगेट्स एरिया 65,380-350 ये रेंज में रहेंगे। ठीक है, आज के दिन में आपको एक साइडवेज एक्सपायरी दिख चुका है, आपको सेकंड हाफ में कोई बड़ा मोमेंटम होता हुआ नहीं दिखा है, तो कल प्रोबेबिलिटीज रहेंगी कि आपको अपसाइड एक अच्छा मूव देखने को मिले। अगर सेंसेक्स यहाँ पे कल के दिन में कंसोलिडेट करता है उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपसाइड वाले जो एरियाज हैं काफी अच्छे स्पेसिस हैं, वन वे फॉल देखने को मिला, तो जो भी रिवर्स ट्रेड रहेंगे, जो भी अपसाइड के ट्रेड रहेंगे, वो सेम आपको क्लियर ट्रेड देखने को मिलेंगे। ओ फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।